तो बोलो जय बजरंगबली महाराज की जय। पूरा पीछे तक ट्रैफिक लग गया, अब तो पीछे भी नहीं जा सकते। तो अभी वकील साहब के पसीना आ गया, गाड़ी बोल रही थी मैं बंद होने वाली हूँ, तेल डला दो। गाड़ी के पैर नहीं चल रहे। गाड़ी के पैर थोड़ी होते हैं, टायर होते हैं। लड़ाई मच रही है बुआ की और दिव्यान में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपका भाई नरेंद्र दहिया। तो आज का जो व्लॉग है हम रात से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं हिमाचल, थार में जाएंगे हम। वैगनर हमने वहाँ खड़ी कर दी है, ये सुनील भाई की गाड़ी खड़ी है, तो अभी गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। ये सुनील भाई आ गए हैं, बहुत बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आप भी चलिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं स्नोफॉल, देखते हैं स्नोफॉल मिलती है नहीं मिलती है। स्नोफॉल डेफिनेटली मिलेगी और हम बहुत फन करने वाले हैं थार के साथ में। तो गाइज आप देख सकते हैं नंबर प्लेट हमने लगा दी है, आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा हमारी गाड़ी पे नंबर। तो अभी चलते हैं गाड़ी लेके। तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं अपनी ब्लैक पैंथर में, अभी आपको थोड़ी देर में वादियों में लेके जाएंगे, वादियों का आपको नजारा दिखाएंगे। तो गाइज मैं आ चुका हूँ घर पे, अभी मैंने गाड़ी यहाँ लगा दी है, तो अभी फटाफट रेडी होते हैं। अभी बुआ और जो बुआ का लड़का है वो अभी आए नहीं है, रास्ते में है, तो जैसे ही आ जाते हैं उसके बाद अपना सामान रखते हैं और चलते हैं। हमें 10 बजे पहुँचना है हिमाचल, हिमाचल की वादियों में आपको लेके चलते हैं। तो अभी चलता हूँ ऊपर और कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, और कपड़े अभी तक मैंने रखे भी नहीं है क्योंकि वहाँ काफ़ी सर्दी है। गाइज मैंने शेविंग बना ली है, अभी मैं और टोनिस जा रहे हैं कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, उसके बाद निकलेंगे। तो गाइज अभी हम आए हैं नमकीन वाले के पास, चाय वगैरह रास्ते में लेंगे, तो उसके साथ ही ये ले लेंगे भुजिया वगैरह जो भी है। या लेनी है टोनी से काजू वाली, एक या कर दे बड़ा 200 ग्राम। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं डिनर के, और ये देखो कितने सारे बैग हैं, अभी देखते हैं गाड़ी में आएंगे नहीं आएंगे। ये है, ये कम्बल हैं, तकिया हैं, और ये लक्की के पास भी सामान है, अभी देखते हैं। तो गाइज फाइनली हम घर से निकल रहे हैं और हमारे एडवोकेट साहब गाड़ी चलाएंगे अभी, और सामने पापा और लक्की खड़े हैं और पीछे बैठी है बुआ और दिव्यान। तो अभी निकलते हैं। तो बोलो जय बजरंगबली महाराज की जय। चलो एडवोकेट साहब, जय बजरंगबली, हमारी यात्रा मंगलमय हो। तो अभी निकल गए हैं दोस्तों हम बहादुरगढ़ से, और टाइम हो चुका है 9:07। अभी रात का सीन तो दिखेगा नहीं, मॉर्निंग में वादियां दिखाते हैं आपको हिमाचल की। कैसा लग रहा है वकील साहब गाड़ी चला के? ऑटोमेटिक का है ना स्वाद? बिल्कुल, मजा तो जब आओगे जब वहाँ वादियों में जाएंगे वहाँ पता लगेगा। गाइस ये हमारी पहली हिमाचल की राइड है, तो देखते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रहेगी। तो गाइस ये सामने आप फ्लाईओवर जो देख रहे हैं ये कुंडली मानेसर वाला है, पर हम जा रहे हैं रोहतक से, रोहतक से सीधा हिसार होते हुए बार बार से, और सीधा हम निकलेंगे अम्बाला, अम्बाला क्रॉस करके निकलेंगे। नया रोड बनाया तो फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको कैसा रोड बनाया हुआ है, गूगल मैप वही रास्ता दिखा रहा है। तो गाइज अभी आए हैं हम पेट्रोल पंप पे, डीजल डला लेते हैं क्योंकि डीजल बिल्कुल भी गाड़ी में नहीं है, वार्निंग दिखा रहा था बार बार। अभी हम यहाँ 2000 का तेल डला रहे हैं, आगे डलाएंगे, आगे फुल करा देंगे फिर, क्योंकि गाड़ी में डीजल बिल्कुल भी नहीं था, बार बार वार्निंग आ रहा था, पता नहीं यहाँ तक आ गई, हम भूल गए थे डलाने के लिए। तो ये है हमारी गाड़ी, ये हो गया। तो गाइज फाइनली हमारी गाड़ी में 2010 का तेल आया 22 लीटर। तो गाइज अभी गाड़ी की जो टंकी है ना हाफ के करीब हो गई है, आगे डलाएंगे और फिर हिमाचल में फुल करा देंगे। हिमाचल में ना सस्ता है, हरियाणा से 10 रुपए सस्ता है। तो अभी वकील साहब के पसीना आ गया था, ये देखो माथे पे दूसरी लाइट जल रही है, वार्निंग की गाड़ी बोल रही थी मैं बंद होने वाली हूँ, तेल डला दो मालिक, तेल डला दो। अब जी में जी आया है, गाइज हमने रोहतक में एंटर कर लिया है। ये हवेली है रोहतक की, लेफ्ट साइड में बोर्ड है रोहतक का, राइट साइड में रोहतक गया, और ये लेफ्ट साइड में हिसार और भिवाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और ये सामने जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये पानीपत का है, राइट साइड में जाएंगे तो पानीपत है। तो अभी यहीं से कोई आगे जल के 5-10 किलोमीटर के बाद अरे हाईवे निकलता है, उसी दाम वाला निकलेगा जाके। गाइज यहाँ एक फैक्ट्री है, नजर नहीं आ रही इसमें वीडियो में, अब नजर आ रही होगी आपको, देखो कितना धुआं दे रही है, पता नहीं किस चीज की फैक्ट्री है।
IMT रोहतक के बाद पड़ती है ये, वो देखो कितना पोल्यूशन निकल रहा है फैक्ट्री में से। तूने क्या बोला? एयरप्लेन में बैठे थे हम तो। क्या नहीं चल रहे? गाड़ी के पैर नहीं चल रहे। गाड़ी के पैर थोड़ी होते हैं, टायर होते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये देखो इसकी मम्मी बोल रही है पहुंच गए, अभी तो घर से निकले हैं 9:30 बजे और 10:08 हुए हैं अभी घर से निकलते हुए और बोल रहे हैं पहुंच गए। ये बोल रहा है गाड़ी के पैर नहीं चल रहे, बताओ गाड़ी के पैर होते हैं टायर होते हैं। फिर पैर क्यों बोल रहा है? तो गाइस अभी हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, अम्बाला और नारनौल का हाईवे है, ये बोर्ड आ गया है अम्बाला नारनौल और हिसार का, तो अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न लेफ्ट ऑन टू द स्लिप रोड। ऐसे घूम के जाना पड़ता है राउंड लेके, ये टोल आ जाता है यहाँ, टोल कटवाते हैं अभी। तो गाइस हमारे साथ पोपट हो चुका है, हम रॉन्ग साइड आ गए। ये दिव्यान ने खाने की चीज ऐसी निकाली खुशबू से है ना, दिमाग खराब हो गए। देखो गलत आ गए, जाना था दूसरे रोड पे, अभी वापिस कर रहे हैं हमारे वकील साहब। इसकी कटाई बहुत बड़ी है ना, वो जो ट्रक जा रहा है ना उस वाले ट्रक वाली साइड हमें जाना है। तो अभी हम अम्बाला नारनौल हाईवे पे चढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल सीधा अम्बाला निकलेगा रास्ता। ये देखो गाइस कितनी सारी चॉकलेट लेके आया हूँ मैं, टॉफी और चॉकलेट, ये देखो कितना पूरा भरा हुआ है। मेरे को एक देके और बोल रहा है कि चॉकलेट एक ही है, कितना चालू बन रहा है। सारी की सारी चॉकलेट देखो नमकीन वाले पैकेट में से निकाल के और अपना उसमें डाल दी और ये चॉकलेट दिए। वकील साहब चॉकलेट? चलो कोई नहीं, वकील साहब तो खा नहीं रहे, हम ही खा लेते हैं। बड़े वकील साहब अभी हमारा वेट कर रहे हैं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से बड़े वकील को लेंगे। तो गाइस अभी हम आए हैं शेरे पंजाब ढाबा है ये, दिव्यान को वॉशरूम जाना है, सामने वॉशरूम है, तो अभी दिव्यान को उतारते हैं गाड़ी में से। दिव्यान के लगी है सोसो। ओ भाई बाहर तो बहुत सर्दी है, अंदर तो सही था टेम्परेचर, बाहर तो सर्दी है। और मैंने पहन रखी है हाफ बाजू टी शर्ट, हवाबाजी निकल जाएगी भाई, बहुत ज्यादा सर्दी है बाहर तो। ये देखो पीछे गाड़ी पूरी फुल पैक है, और बोलते हैं इसमें डिग्गी में सामान नहीं आता, तो काफी सामान आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये फुल साइज का बड़ा बैग है और एक इस पॉलीथीन के पीछे एक छोटे वाला बैग है, तो ये पूरा पैक है, ये देख सकते हैं आप, काफी सामान आया हुआ है। और पीछे तकिया वगैरह और डबल बेड का कम्बल वगैरह जो है वो भी रखा हुआ है। और अभी फूफा जी को लेना है चंडीगढ़ से, तो अभी हम जीरकपुर के पास कहीं होटल में स्टे कर रहे हैं, फूफा जी फूफा को लेंगे वहाँ से और फिर सीधा निकलेंगे शिमला की तरफ। लो गाड़ी लॉक कर दी इन्होंने और गाड़ी की अंदर से लाइट जल रही है, सभी चले गए, गाड़ी लॉक है। और मेरे को लग रही है सर्दी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। गाड़ी का टेम्परेचर तो हमने बहुत ज़्यादा वो कर रखा था, एसी चल रहा था पर टेम्परेचर हमने काफ़ी हाई कर रखा था। अब गाड़ी खोल ली है, चलते हैं अंदर। तो गाइस मुझे लग रही थी ठंड की, तो अभी मैं पहन रहा हूँ जैकेट, अभी सर्दी हो गई, जैकेट निकाल ली है दिव्यान ने अपनी, दिव्यान भी डाल रहा है। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो शेरे पंजाब ढाबे को बाय बाय करते हैं, बाय बाय। और अभी हम वापस से अपना हाईवे पकड़ते हैं, यहाँ से उधर से आए थे हम और ये सामने है, ये वापस इसी पे मिल जाएगा जाके हाईवे पे, सामने वो ट्रक जा रहा है। ये देखो गाइस लड़ाई मच रही है बुआ की और दिव्यान में, कंबल है वो तो मैं सिंगल बेड का छोड़ के डबल बेड का ले आया, घुस गया। ये पाइप बाय चांस गाड़ी पलट जा तो सेफ्टी थी। तो गाइस ये हाईवे तो काफी अच्छा बना हुआ है नारनौल अम्बाला वाला, बट इस पे एक प्रॉब्लम है, ये देखो आप पूरे रोड पे ना कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट वगैरह या कुछ भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, गुप अंधेरा है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। 4-4, 5-5 किलोमीटर के बाद कोई व्हीकल आ रहा है, जैसे अभी ये ट्रक आने वाला है, अभी तक 10-20 किलोमीटर हम आगे, बीच में कोई कट भी नहीं है यू टर्न लेने का। अगर हम वहां से करनाल वाले रोड से जाते ना, सोनीपत वाले रोड से, तो वहाँ ट्रैफिक मिलता बहुत सारा। तो गाइस अभी ये टोल है, एक नीचे जींद की एग्जिट है यहाँ से, अब देखो अब आई है लाइट कितनी देर के बाद, अब देखो कितना दूर दूर तक कितना विजिबल है, देखो यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर तक बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, वो सामने देखो ट्रक आपको नजर आ रहा होगा वीडियो में, जहाँ टोल है ना बस यहीं तक है ये लास्ट लाइट है, जहाँ टोल है ना बस वहाँ इन्होंने स्ट्रीट लाइट दे रखी है बस, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इस बुआ ने तो अपनी मुंडी तोड़ रखी है,
ये देखो कैसे सो रहे हैं आराम से, और वकील साहब ने चॉकलेट निकाल लिए पूरे आनंद के साथ लेते हुए, पूरे सूंघ सूंघ के। और टाइम हो चुका है 11:33 और हमारी गाड़ी 201 की रेंज दिखा रही है और 17.2 की एवरेज शो कर रही है। फाइनली हम अब चंडीगढ़ वाला हाईवे है जो दिल्ली से आता है, एंट्री कर रहे हैं उस पे। ये सामने बोर्ड पे साइड लेफ्ट लेफ्ट गूगल मैप भी बोल रहा है। तो अभी ये सामने ऊपर फ्लाई ओवर है, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। तो अब ये वही आ गया, सोनीपत वाला रोड आ गया, अम्बाला क्रॉस कर लिया हमने। 12:36 हो गए, 9:30 हम निकले थे तो 3 घंटे में अम्बाला क्रॉस कर लिया हमने। बिल्कुल आराम से आए 80-90 की स्पीड पे। तो गाइज ये वाला जो रास्ता है नारनौल और अम्बाला वाला, ये तो अम्बाला बहुत ज्यादा क्रॉस करके निकलता है, ये तो चंडीगढ़ का जो टोल आता है चंडीगढ़ के टोल के आसपास निकलता है। अभी हम पहुंचने वाले हैं जीरकपुर, फूफा को लेंगे जीरकपुर, फूफा ने होटल ले रखा है तो वहां से उनको लेके और फिर चलते हैं, और फिर रास्ते में कहीं टी ब्रेक लेते हैं। ये आ गया जीरकपुर का कट और हम यहाँ से ले रहे हैं राइट। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के करीब है फूफा का होटल, जहाँ स्टे कर रखा है फूफा ने, वहाँ से फूफा को लेते हैं और फिर अपने निकलते हैं आगे। तो गाइज हम फूफा के होटल पहुँच गए हैं और अभी टाइम हो चुका है 1:07। गाइज अभी बाहर का मौसम देखते हैं यहाँ का जीरकपुर का कैसा है। गाड़ी में तो टेम्परेचर नॉर्मल कर रखा है हमने, तो बाहर तो है सर्दी। और ये लाइन में है ना सारे के सारे होटल ही हैं, ये सारे होटल हैं। और यहाँ सब सभी की जो भी आए हुए हैं स्टे कर रखा है, सब ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग में लगा रखी है। तो गाइज मुझे लगा है सुसु बहुत जोर का, तो अभी मूत्र विसर्जन करते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। गाइज फूफा आ चुके हैं, देखो गाइज चांद आधा कितना अच्छा लग रहा है। टॉफी आती है ना संतरे वाली, बिल्कुल उसी शेप में है। देखो ये देखो गाइज जाम लगा हुआ, कोई मशीन लगी आगे और उसका जाम लगा है, बोल रहे हैं 1 घंटा लगेगा। ये देखो कितने सारे ट्रैफिक खड़े हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं, पूरा आगे तक जाम लगा है। और ये डिवाइडर लोहे की वो लगी है ग्रिल, नहीं तो यहीं से चढ़ा के उधर उस वाले रोड पे चले जाते। ये देखो इतनी दूर तक ट्रैफिक लग गया, पूरा पीछे तक ट्रैफिक लग गया, अब तो पीछे भी नहीं जा सकते। वकील साहब ने तो खोल लिया अपनी भुजिया, चकना पकड़ा, हम भी खा लेते हैं, अब बैठे रहो यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ। ये बड़े वकील साहब है, अच्छे बोले होटल में सो रहे थे। ये देखो गाइस मुर्गियों को भी सर्दी लग रही है, ये देखो पीछे पर्दा लगा रखा ग्रीन कलर, मुर्गी आराम से सो रही है, ये नहीं पता अभी कटने जा रही है। ये एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, 1 घंटा हो गया हमको यहाँ खड़े खड़े, और अब जाके थोड़ा सा स्पीड में गाड़ी चली है, देखो कितना ट्रैफिक लगा है। तो गाइस अभी हम हिमाचल में एंटर कर चुके हैं, और ये देखो डीजल का प्राइस यहाँ कितना है, 88.38 रुपए है। हम गाड़ी यहाँ फुल करा रहे हैं, गाड़ी में डीजल आया 50 लीटर, फुल हो गई गाड़ी। ये देख लो ये है शिमला, 4:55 हुए हैं, अब पहुंचे हैं प्रॉपर शिमला। रीना मीना सीमा लो हम भी आ गए शिमला। मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं।